नाउ दैट द इलेक्शंस आर अप्रोचिंग एंड दे आर सो क्लोज, दोनों पार्टीज ने अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज रिलीज कर दिए. इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इसके थ्रू बेसिकली पार्टीज ये बताना चाहती हैं वोटर्स को कि अगर आप हमको वोट देकर जिताते हैं तो ऑल दीज थिंग्स, ये पर्टिकुलर चीजें हम आपको प्रोमिस करते हैं कि हम फ्यूचर में आपके लिए करेंगे. इलेक्शन मैनिफेस्टो इज काइंड ऑफ लाइक एन एडवर्टीजमेंट. आप इमेजिन करो, आप किसी मॉल में जाते हो या कहीं पे आप सर्विसेज लेने के लिए जाते हो, वो आपको ब्रोशर देते हैं, उस ब्रोशर में उनकी सर्विसेज लिखी होती है, हर तरीके की डिटेल्स लिखी होती है, यू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट देम एंड वॉट विल हैपन अगर आप उनकी सर्विसेज लेते हैं. तो इसी तरीके से पार्टीज के इलेक्शन मैनिफेस्टो होते हैं, उसमें डिटेल में लिखा हुआ होता है कि पार्टीज अगर इलेक्ट होकर गवर्नमेंट बनाकर आती हैं इन पावर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, उनका देश के लिए और देश के सिटीजन्स के लिए क्या प्लान है. जहां कांग्रेस ने काफी टाइम पहले अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही ये मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया था, वहीं बीजेपी ने कुछ टाइम पहले ही ये रिलीज किया है, जिसके वजह से काफी लोगों का ये कहना है कि बीजेपी के लिए शायद इलेक्शन रिजल्ट इज अ फोरगॉन कंक्लूजन. फोरगॉन कंक्लूजन का मतलब उनको शायद ऑलरेडी पता है कि रिजल्ट हमारे फेवर में ही होने वाला है. दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने इतना डिले किया कि ऑलमोस्ट इलेक्शन सर पर आ गए हैं एंड दैट इज व्हेन दे हैव रिलीज्ड अ मैनिफेस्टो. बट अगर हम उनका मैनिफेस्टो देखें जो इतना डिटेल्ड है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जहां पे कुछ 48 पेजेस का है, वहीं बीजेपी का मैनिफेस्टो आपको 76 पेजेस का मिलेगा विद फुल ऑन डिटेल्स, प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट्स. दोनों में ही ये है, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसका नाम है न्याय पत्र, उनका कहना है कि हम जस्टिस दिलवाएंगे, हम जस्टिस लेकर आएंगे. वहीं बीजेपी का कहना है कि हमने जो भी संकल्प लिया था, हमने जो भी डिसाइड किया था, वो चीज हम फॉलो करके रहेंगे. हम डेवलपमेंट हमने प्रॉमिस किया था, हमने एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस किया था, हम वो करके रहेंगे. इसलिए उनके मैनिफेस्टो का नाम है संकल्प पत्र. तो ये न्याय पत्र और संकल्प पत्र जब आपस में टकराते हैं और कंपेयर किए जाते हैं तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है. सबसे पहला और मेजर डिफरेंस साइज में आप देख सकते हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो थोड़ा छोटा है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शुरू में ही लिखा हुआ है कि प्लीज आप इस मैनिफेस्टो को 2019 में जो हमने मैनिफेस्टो 2019 के इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो हमने रिलीज किया था उसके साथ पढ़े, क्योंकि हमने तब जो प्रोमिसेस किए थे उनको भी हम आज फॉलो करने की ताकत रखते हैं और पूरा पूरा इंटेंशन रखते हैं. तो इस मैनिफेस्टो को उसके साथ पढ़ा जाए या उसको पहले पढ़ा जाए फिर इस पे आया जाए. वहीं बीजेपी का मैनिफेस्टो सबसे पहले बात करता है और फुल फ्रंट कैपिटल लेटर्स में लिखता है मोदी की गारंटी. अब ये किस चीज की गारंटी दी जा रही है? इन चीजों की, कि जो भी आपको प्रॉमिस किया जाएगा, मोदी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी. नाम लेकर लिखा गया है कि दे वट एवर दे हैव प्रोमिस्ड, वो ये संकल्प करते हैं कि उन एक हर एक चीजों को फॉलो करेंगे या उन हर एक चीजों को पूरा करेंगे. अब काफी ज्यादा आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी फोकस में, जैसे दोनों ही जगहों पर मेजर फोकस हेल्थ पर है, विमेन पर है, यूथ पर है, यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट पर है एंड इस तरीके के फार्मर्स पर है, एग्रीकल्चर पे है. तो कॉमन पिलर्स पे ही फोकस करते हैं दोनों के दोनों, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रॉमिस करते हैं. जैसे एक कॉमन पैटर्न जो आपको देखने को मिलता है जब आप बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि जो ऑलरेडी स्कीम्स चलती आ रही थी, या तो उनको एक्सपैंड किया जाएगा और बड़ा बड़े फॉर्म में लॉन्च किया जाएगा, या उनको ही और बेटर फॉर्म में लॉन्च किया जाएगा. मतलब जो ऑलरेडी प्रोमिसेस और स्कीम्स लॉन्च की गई हैं बाय बीजेपी, उन्हीं को बेटर तरीके से और इम्प्लीमेंट किया जाएगा आगे आने वाले कुछ सालों में. वहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ते हैं तो उनमें नए नए स्कीम्स की बात हुई है. आपको बहुत ज्यादा जगह वर्ड दिखेंगे लॉन्च एंड रीलॉन्च, या कोई नया आइडिया लेकर आने की कोशिश. कांग्रेस का मैनिफेस्टो फोकसेस एंटायरली ऑन ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स एंड न्यू स्कीम्स. वहीं बीजेपी का मैनिफेस्टो फोकसेस मोर ऑन जो चीजें ऑलरेडी ला चुकी हैं या जो चीजें प्रॉमिस की गई हैं उनको पूरा किया जाएगा. दैट्स वाई प्रोबेबली द नेम संकल्प. वहीं दैट्स वाई प्रोबेबली द नेम फॉर कांग्रेस मैनिफेस्टो इज न्याय. वो लॉन्च और रीलॉन्च करने की बात कर रहे हैं, वो नई चीजें लाने की बात कर रहे हैं, वो सपना दिखा रहे हैं आपको नए भारत का. वहां बीजेपी का ये कहना है कि नए भारत का सपना हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, उसको हम पूरा करने का संकल्प लेकर आए हैं. चलिए फटाफट से एक एक पिलर को देखते हुए हम देख लेते हैं कि न्याय पत्र और संकल्प पत्र किन चीजों के बारे में बात करता है. एक तरफ होता है बीजेपी का न्याय पत्र, संकल्प पत्र, दूसरे तरफ है कांग्रेस का न्याय पत्र. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो फोकस दोनों का सेम ही जगहों पर है. जैसे सबसे पहले अगर हम फोकस देखें तो मोदी की गारंटी
से बात शुरू करते हैं ये। वहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो शुरू हुआ है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी उससे। दोनों सिमिलर अलोंग द सिमिलर लाइंस शुरू करते हैं लेकिन अलग अलग प्रोमिसेस के साथ। यहां पर जहां न्याय पत्र बात करता है मोस्टली चार पिलर्स के ऊपर, दैट इज विमेन, रादर फाइव पिलर्स हम बोल सकते हैं, विमेन, यूथ, फार्मर्स एंड वर्कर्स एंड इक्विटी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बात करता है कि हम इन सब के लिए जस्टिस लेकर आना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का मैनिफेस्टो चार पिलर्स के ऊपर फोकस करता है, अगेन सिमिलर, विमेन, यूथ, अंडर प्रिविलेज्ड एंड फार्मर्स। तो आप देख सकते हैं फोकस मोस्टली सेम है लेकिन तरीका डिफरेंट है। कैसे तरीका डिफरेंट है? फॉर एग्जाम्पल, जब यहां पर वोटर्स की बात होती है या यंग वोटर्स की बात होती है तो यहाँ बीजेपी का मैनिफेस्टो यंग वोटर्स को या यूथ को क्या प्रॉमिस कर रहा है? बीजेपी का मैनिफेस्टो पहली चीज प्रॉमिस कर रहा है कि सारे के सारे पेपर लीक्स वाले जो इतने सारे केसेस चल रहे हैं उनको हम हटाएंगे या उनसे डील करा जाएगा, पेपर लीक्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट वैकेंसीज जितनी भी हैं उनको जल्द अज जल्द फिल करने की कोशिश की जाएगी या फिल किया जाएगा। फिर एक अच्छा कंड्यूसिव हेल्पफुल एनवायरनमेंट बनाया जाएगा स्टार्टअप्स के लिए एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इसी के साथ इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। अगर हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो वो देखिए नई चीजों की बात कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने बोला है यूथ को कि हम युवा न्याय प्रोग्राम लेकर आएंगे, इसके थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट को हटाएंगे, तो नया प्रोग्राम। नेक्स्ट अगेन इंट्रोडक्शन, नई चीज लाई जा रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट, जिसके अंडर एक साल की अप्रेंटिसशिप मिली जाएगी या दी जाएगी यूथ को जो कि अंडर ग्रेजुएट्स हैं बेसिकली, बट दे आर अंडर 25 इयर्स ऑफ एज एंड दे डोंट हैव अ जॉब, तो उनको एक साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। नेक्स्ट 30 लाख वैकेंसीज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में है, 30 लाख वैकेंसीज उनको फिल किया जाएगा, तो हेंस क्रिएटिंग जॉब्स एंड वन टाइम रिलीफ फॉर एप्लीकेंट्स जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि COVID-19 के टाइम पे सबका बहुत लॉस हुआ था, एक साल का लॉस सबकी लाइफ में हुआ था, वो एक साल को बोला जा रहा है काउंट ही नहीं करेंगे, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं यूथ उनको एक साल का रिलीफ प्रॉमिस किया गया है। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नई चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही है, वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो ऑलरेडी चीजें चल रही थी उन्हीं को रीइंट्रोड्यूस या बेटर वे में प्रेजेंट करने की बात हो रही है। वहीं हम अगर फार्मर्स की बात करें, फार्मर्स की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि हम पीएम फसल बीमा योजना जो कि पहले से ही लागू की जा चुकी है इसको और स्ट्रेंथन करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे थ्रू टेक्निकल इंटरवेंशंस या टेक्निकल न्यू इन्वेंशंस। साथ ही साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज किया जाएगा, जिसके ऊपर काफी ज्यादा वाद विवाद चलता रहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को इंक्रीज किया जाएगा। कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किया है वो भी दो प्रॉमिसेस हैं, एक रिलेटेड टू एमएसपी ही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बोला जा रहा है कि लीगल गारंटी दी जाएगी एनुअली बाय द गवर्नमेंट एज रेकमेंडेड बाय द स्वामी एमएस स्वामीनाथन कमीशन, हमारी एक है जो काफी ज्यादा रिकमेंडेशन देती है रिसर्च करके ऑन एग्रीकल्चर, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से लीगल गारंटी देंगे एमएसपी के ऊपर। लीगल गारंटी मतलब उसमें पीछे नहीं हट सकते फिर आप, हर साल और सरकार ये देगी, कांग्रेस ने ऐसा बोला है। दूसरी चीज, एक परमानेंट कमीशन बनाई जाएगी, परमानेंट कमीशन बनाई जाएगी एग्रीकल्चर को फाइनेंस करने के लिए। ताकि जिन भी फार्मर्स को एग्रीकल्चर लोन्स या क्रेडिट्स की जरूरत है वो सीधा इस कमीशन के पास जा सकते हैं और एग्री बेस्ड फाइनेंस ले सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टीज के जो मेन फोकस थे, बीजेपी जो चीजें या स्कीम्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है उनको
स्ट्रेंथन करने की बात करी है, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की बात करी है या उनको एक्सपैंड करने की बात करी है। वहीं कांग्रेस नई चीजें इंट्रोड्यूस करी है। आप इस पॉइंट से ही समझ सकते हैं कि वन ईयर रिलीफ इज सच अ ह्यूज थिंग। बहुत सारे हजारों लाखों में एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि एग्जाम दे रहे हैं और इस एग्जाम में एक और मौका मिलना कितनी बड़ी बात होती है। तो नाउ वी डोंट नो कि जो भी प्रोमिसेस किए गए उनमें से कितने पूरे किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, बट फॉर श्योर प्रोमिसेस बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। विद द अपकमिंग इलेक्शंस वी विल बी कमिंग अप विद मेनी 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 मोर न्यू वीडियोस, जिसमें हम अलग अलग से वीडियो में एक एक मैनिफेस्टो को भी बाकायदा एनालाइज करेंगे, अलग से संकल्प यात्रा और अलग से न्याय पत्र। इन दोनों को एनालाइज करके हम और डिटेल और डेप्थ में समझेंगे कि किस पार्टी ने क्या क्या प्रोमिसेस किए हैं और क्या वो प्रोमिसेस पूरे होना पॉसिबल है भी कि नहीं। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए यू कैन फॉलो आवर यूट्यूब चैनल विच इज यस एकेडमी फॉर लॉ। दिस इज विशिष्टा नायक। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। साइनिंग ऑफ।